हमारी बोट जाने वाली है ब्रिज के नीचे से, लोग हाय कर रहे हैं ऊपर से, हाय हेलो, तो नीचे से जा रहे हम। अरे ध्यान से दे दो, टोक दिया, टोक दिया, टोक दिया, टकरा गए। सो हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे पानी ही पानी है। तो भाई अभी हम आए हुए हैं एक लेक के अंदर, और ये लेक है रोहतक के अंदर। तो भाई रोहतक के तिलियार में इस समय आए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, बहुत ही बड़ी बहुत ही फेमस यहाँ की एक लेक है जिसका नाम है तिलियार लेक। तो भाई ये लेक बहुत अच्छी है, हमें बहुत मजे आ रहे हैं। तो भाई इसी लेक के बारे में आज का पूरा व्लॉग होने वाला है, ठीक है। यहाँ की हम सारी इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं कि भाई की टिकट क्या होने वाली है इस बोटिंग की, जो बोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ की टाइमिंग क्या होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक आपको पहुँचना कैसे, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उसी के अलावा यहीं पर ही बगल में है तिलियार का जू, आप वहाँ पर भी घूम सकते हो जाकर, उसका भी ब्लॉग हमने बना दिया है, ठीक है। और उसी के अलावा यहाँ पर क्या है, काफ़ी राइड्स हैं, जाइंट व्हील वगैरह, छोटी मतलब मिनी ट्रेन वगैरह, काफ़ी कुछ यहाँ पर मतलब है, सीधी सीधी ये बात है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सब कुछ देखते हैं इस ब्लॉग के अंदर। और चैनल पर पहली बार तो कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट हम बनाते रहते हैं। तो करते स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले यहाँ की लोकेशन की बात करें तो भाई ये तिलियार है जो कि भाई रोहतक में है, सेक्टर 28 में। यहीं पर ही आपको देखो नियर आपको यहाँ पे इंडियन ऑयल मिल जाएगा। और ये है यहाँ की पार्किंग, जिसमें आपके फोर व्हीलर के हैं 30 रुपीज़ और टू व्हीलर के हैं 10 रुपीज़। अगर आप दिल्ली से बाय बस यहाँ आना चाहते हो तो भाई ISBT कश्मीर गेट से आपको रोहतक आने वाली बस मिल जाएगी, इसीलिए आप आ सकते हो 1 से 1.5 घंटे में। उसी के अलावा आप कहीं से भी आ रहे हो, रोडवेज बस यहीं सामने से निकलती है। बात लेक की टाइमिंग की करें तो भाई लेक हफ्ते के 7 दिन ओपन रहती है, और यहाँ की टाइमिंग होने वाली है सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। यहाँ पर ये आप सामने देख रहे हो, यहाँ पर ये आपको मिनी ट्रेनें मिल जाएगी बच्चों के लिए। तो इसके जो है 40 रुपीज़ हैं चार्जेस, 40 रुपये फोकट के बता रहे हैं। तो 40 रुपये यहाँ पे इसके प्राइस हैं, तो इसको भी इंजॉय आप कर सकते हो। बाकी और भी यहाँ पे कुछ राइड्स हैं, वो अभी हम आगे चल के वहाँ पे देखेंगे एंट्री के पास। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. तो भाई यहाँ पे जो मतलब उस साइड लेक है ना, तो लेक से पहले आपको कुछ ऐसे झूले भी मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया वो मिनी ट्रेन थी, सामने वो दिखाई दे रहा है जाइंट व्हील, तो वैसे ही यहाँ पूरा एक पार्क बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं पूरा। तो पार्क के यहीं पर बंदर रह रहे हैं सारे, देखो ये सामने बैठा हुआ है ये, और बाकी वहाँ है उधर, ये देखो ढेर सारे यहाँ पे बंदर है जो कि खेल कूद करते रहते हैं। वे काट ना ले यार। तो ये है यहाँ पर, ये देखो छोटा सा एक जाइंट व्हील है, इसके 50 रुपये टिकट हैं, तो काफ़ी औसम है। 50 रुपये में आप इंजॉय कर सकते हो, काफ़ी चीप है, है छोटा भी है। तो भाई 50 रुपये में जाइंट व्हील बहुत बढ़िया है ये, तो मतलब जाइंट व्हील के मजे ले सकते हो। और वहाँ जाइंट व्हील 50 का नहीं है, 50 के। देखो वहाँ मिनी बोट है एक, बाकी यहाँ पे वाटर रोलर भी है, देखो बहुत कुछ यहाँ पे इंजॉय आप कर सकते हो। तो भैया वाटर अब्सॉर्बिंग है, देखो खुद ही भागे जा रही है, इसमें कोई तो है नहीं है, खुद ही रोल रोल हो जा रही है। यहीं पर ही एक छोटी सी बोट भी है जिसमें आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल तो कोई है नहीं है, तो इसके प्राइस पता नहीं। बाकी वहीं पर ही यहाँ पे सामने आपको ये बंजी जंपिंग दिखाई दे रही है, तो बंजी जंपिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी इंजॉयबल होने वाला है जो कि आपके लिए। यहीं पर ही देखो बच्चों के लिए यहाँ पर बोट लगी हुई है, इसमें भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चे, बोटिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी कलरफुल बोट्स हैं यहाँ पर। तो भाई ये देखो यहाँ पे ये भाई है, केले लेकर आया बंदरों के लिए, बंदर कैसे ले रहे हैं, ओए लड़ाई कर रहे हैं। तो वाओ, दो दो केले ले लिए, केले पसंद है बंदरों को, है ना, बंदरों केले पसंद होते हैं, कितना मजे से खा रहे हैं देख रहे हो। वो तीन तीन ले लिए, खा तो ले पहले एडवांस में लेके रख रहे तो इंसानों से ज्यादा बंदर है। हाँ, सेविंग में अपना पूरा गिर गया, पहले उसको तो खा ले। ये देखो कितने बंदर आ गए हैं भाई साहब, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं देखो उसके ऊपर, वाओ वाओ कितना छोटा है यार। तो इसकी माँ आ गई पीछे, हो जाओ भाई। भाई यहाँ पर आप ये देख रहे हो, यहाँ पे कैंटीन बनी हुई है ना, तो कैंटीन के ही आपको यहाँ सामने चलना है, तो इस साइड ही यहाँ पर मतलब लेक है यहाँ पे सामने, तो चलते हैं देखते कितना चलना है, कितना आगे है लेक। ये आप सामने यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ से है मतलब एंट्री झील की, तो चलते हैं अंदर। कृपया बंदरों को खाने पीने का सामान ना दे और बंदरों से सावधान रहे।
बाकी यहाँ पर देखो लेक के ही बारे में लिखा हुआ है, इसकी इनॉग्रेशन हुआ था 12 सितंबर को 2018 में। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर और देखते हैं, सामने ही मुझे लेक दिखाई दे रही है जो कि अब आपको भी दिखने वाली है। तो ये रही लेक, वाओ कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, कितनी अच्छी लग रही है। तो बोटिंग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी है लेक, काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है बिल्कुल स्टेडियम की तरह। तो ये आई थिंक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो सामने ये लगे हुए हैं, तो यहाँ पे शायद फाउंटेन शो भी होता है इवनिंग के टाइम में। तो अभी लग तो नहीं रहा क्योंकि 6 बजने वाले हैं और अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, ना पब्लिक है ना कोई शो यहाँ पे स्टार्ट होने का लग रहा कि होगा स्टार्ट। तो पता करते हैं चल के कि कब होता है कब नहीं होता है। सामने भाई बैठे पहले, यहाँ बोटिंग हमें दिखाई दे रही है, तो बोटिंग के प्राइस पता करते हैं, क्या प्राइस है बोटिंग का? अच्छा अच्छा बोटिंग नहीं है, अच्छा अच्छा बोटिंग वहाँ से है और कैफे में जाने। अच्छा अच्छा वो कैफे मतलब यहाँ से कैफे में जाने के लिए रास्ता है सिर्फ, आइलैंड कैफे है सामने। तो कैफे क्या नाम है कैफे का? आइलैंड कैफे। आइलैंड कैफे, तो इस बोट में बैठ के जाना है उसमें, तो उसका चार्ज है कुछ? चार्ज नहीं है, मिनिमम बिलिंग है। अच्छा 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 जा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो आइलैंड कैफे की ही होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो भाई यहाँ पर इस साइड बोटिंग तो नहीं थी, बोटिंग के लिए हम इस साइड से जा रहे हैं, तो चल के देखते हैं पूरा, हमें राउंड करते हो उस साइड वहाँ तक जाना है पूरा, तो वहाँ हमें बोटिंग मिलेगी। बाकी उस आइलैंड कैफे के बारे में बताई दी, ये रिसेंट में अभी ही यहाँ पर ओपन हुआ है, और ये जो फाउंटेन्स होता है इसके बारे में अभी पता लग रहा है कि रिसेंट में अभी ये बंद है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। और ये जो फाउंटेन्स है इसके अंदर हरियाणा का कल्चर शो होता है, अभी तो ये रिसेंट में मतलब टेक्निकल इशू की वजह से बंद है, बट तब ये चालू होता है चलता है, तो इसकी टाइमिंग रहती है संडे को 8 बजे ही चलता है, डेली नहीं होता। ये रही यहाँ पर बोट्स, तो अब चलते हैं और बोट के प्राइस पता करते हैं और बोटिंग भी करेंगे। तो ये सारे लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, तो काफ़ी अलग अलग यहाँ पे देखो डिजाइन की बोट हैं। ये पैडल वाली बोट है यहाँ पर आप देख रहे हो, वहाँ वो देखो कार वाले डिज़ाइन की एक बोट है, ये देखो पूरी पैडल बोट है और बिल्कुल डिज़ाइन इसको कैसा दिया गया है, बिल्कुल कार की तरह। बाकी ये स्वान वाली एक बोट है। You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. तो भाई ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है रेट लिस्ट पैडल बोट के, आपके टू सीटर के, टू सीटर मतलब दो जने बैठ सकते हैं एक बोट के अंदर, तो टू सीटर के होने वाले 200 रुपीज़ 30 मिनट के, और वहीं पे आपको फोर सीटर अगर चाहिए तो 300 होने वाले वहीं 30 मिनट के 30 मिनट के यानी आधे घंटे के, और रोइंग बोट के आपके 6 सीटर के 400 रुपीज़ 10 से 15 मिनट के, वो भी देखो 30 मिनट है 10 से 15 है, बट यहाँ पे 6 सीटर मिलने वाले हैं आपको। मोटर बोट के आपको 6 सीटर के होने वाले हैं 600 रुपये 1 राउंड के, 1 राउंड मतलब ये पूरा आप लेक देख रहे हो ना, तो 1 राउंड यहाँ पे पूरा होने वाला है पूरा, काफ़ी बढ़िया भाई दूर तक जा रही है, वहाँ देख रहे हो यहाँ एक ब्रिज है, तो पूरा दूर तक मतलब ये जा रहा है, पूरा एक राउंड आपको लगवा के आएंगे मोटर बोट में। बाकी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, समय पर अगर आप नहीं लौटाते तो दुगना चार्ज आपका लगने वाला है, तो भाई समय पर लौटा देना। और यहाँ सामने बाकी ये आप देख लेना जो आपको नीचे बाकी जो पढ़ना है, बाकी यहीं आपको सामने यहाँ से मिलने वाला टिकट काउंटर पे टिकट। भाई टिकट हमने ले ली है 200 वाली ली है हमने टिकट, तो ये रेड बोट हमें मिल रही है यहाँ पे स्वान वाली, तो इसमें बैठते हैं। ये रही यहाँ पे टिकट 200 की 30 मिनट के लिए, तो बैठो भाई बैठो, उसके बाद मैं बैठूँगा। तो भाई टू सीटर है ये, उस साइड जाओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, टूटी पड़ी है। चलते हैं इस बोट के अंदर, पूरा तेड़ी होगी है। तो भाई आ चुके हैं यहाँ पर अपनी बोट के अंदर, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी बड़ी लेक है। तो भाई स्वान का फेस देखो कैसा लग रहा है, फेस तो दिख ही नहीं रहा, बैक दिख रहा है बस। यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, इससे कंट्रोल किया जाता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, ये देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है अपोजिट साइड में होता है, जैसे आप इस साइड इसको मतलब करोगे तो बोट उस साइड जाएगी, इस साइड करोगे तो बोट उस साइड जाएगी, अपोजिट होता है। बाकी ये पैडल हैं, आगे करोगे तो आगे जाएगी, पीछे करोगे तो पीछे जाएगी। बाकी वहाँ का व्यू देखो, पूरा सनसेट होने वाला है, तो जा रहा है सन अपने घर पर। और यहाँ पर सामने देखो एक ब्रिज आ गया, ये तो ये ब्रिज है पूरा, तो यहाँ से ब्रिज पे जाके भी आप फोटो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे देखो काफ़ी लोग कर रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट। Baby, you'll get sick of being the mom.
of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cat. हमारी बोट जाने वाली है ब्रिज के नीचे से, लोग हाय कर रहे हैं ऊपर से. हाय हेलो. तो नीचे से जा रहे हम. अरे ध्यान से देखो, ठोक दिया ठोक दिया ठोक दिया, टकरा गए. तो भैया हम जा रहे हैं ब्रिज के नीचे से, ये रहा ऊपर हमारे ब्रिज. चलाने नहीं आते तुम्हें यार. और ये देखो यहाँ पे हमारा इंस्टा 360 एंगल ले रहा सारे. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. तो भाई काफी मजे आ रहे हैं, बस थोड़ा सनग्लास आपके पास होंगे तो और मजे आने वाले, वरना आंखों में धूप लगेगी आपके. तो भाई जसमीत भाई मजे आ रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है. ऐसा नहीं कि बेकार लेक है, मैंने जितनी भी लेक देखी है ना, सबसे बढ़िया वाली लेक मुझे ये लगी. मतलब गर्मी यहाँ पे लग रही है ये बताओ? गर्मी नहीं लग रही, ब्रीज की फीलिंग आ रही. ब्रीज होती है थोड़ी ठंडी हवा वाली ब्रीज, वो आ रही है. मतलब मजे आ रहे हैं, गर्मी का टाइम है और गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि हमने टाइम सही चूज करा है. अभी क्या है, सनसेट हो रहा है, जाने वाला सन, तो लगभग 6:30 के आसपास का ये टाइम है. तो इस टाइम आप आओगे, आपको गर्मी नहीं लगने वाली, बल्कि ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा चल रही है. पूरी ग्रीनरी यहाँ पे देखो तो काफी अच्छा लग रहा है. सामने से बंदर महाराज जा रहे हैं यहाँ से, ये हाँ हाँ यहाँ से चाहे पत्थर मारो, नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा ऐसा मत करना, मतलब इनको छेड़ना मत. बाकी यहाँ पे बोटिंग के टाइम कोई इनसे हाव नहीं है क्योंकि काफी दूर है, देखो पानी पानी है सारे में. बाकी इनका कुछ पता भी नहीं, क्या पता जंप करके आ जाए आप तक. पंगे मत लेना इनसे, बाकी कुछ नहीं कहेंगे आपको. तुम तो चलाओ मत बोट को, मैं ही चलाता हूँ. हाँ यार अकेले बोटिंग कर रहे हैं, मैं सूट में लगा हुआ हूँ तो मैं भी करता हूँ. रुको 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 रुको, पैर तो लगा दो. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. यहाँ सामने देखो डक्स हैं, हम आराम आराम से इसलिए बोल रहे हैं वरना भाग जाएंगी सारी. और पैडल भी आराम आराम से मार रहे हैं हम. ये कैसी आवाज कर रहे हैं? You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. बाकी डक्स यहाँ पर आई हुई हैं सामने. और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर जो ये था ना, मतलब आइलैंड कैफे, अब आगे उसमें चलेंगे. तो इसमें चलते हैं और इसमें चल के हाँ आइलैंड कैफे में चल रहे हैं. सो गाइस यही था इस व्लॉग के अंदर, टोटली अंधेरा हो चुका है पीछे चार और देखो ये देखो, और यहाँ पे चार और बंदर ही बंदर है. तो फिलहाल निकलते हैं क्योंकि भाई 7:30 से ऊपर टाइम हो चुका है और हमें 2-3 घंटे लग जाने हैं दिल्ली पहुँचने में. तो फटाफट निकलते हैं. तो यही था इस व्लॉग के अंदर, सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं कराया तो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट हम बनाते रहते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए आप सभी अपना. जय हिंद, वंदे मातरम.